हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्विज नंबर 10। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपको डेली फ्री क्विज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड। उसको क्विज आप अटेम्प्ट करते हैं ऐप पर, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो हम यहाँ यूट्यूब पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारी क्विज नंबर 10 है। यदि आपने अभी तक क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है या कोई क्विज आपसे मिस हो गई है तो उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोविंग्स। इनको हमें मैच करना है, कुछ समझने का नहीं है, याद करने का हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है हमारी इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट के लिए इंड एएस 38 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में है इंपेयरमेंट ऑफ असेट, तो इंड एएस 36 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में इंट्रीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके लिए 34 हमारा हो जाएगा। और लास्ट है इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, तो इसके लिए 1 हमारा हो जाएगा। 4321 हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोविंग्स। इन आइटम को हमें मैच करना है। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो कैसा रेशियो होता है? एक्टिविटी रेशियो होता है। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो या नेटवर्क रेशियो हमारा सोलवेंसी रेशियो होता है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। और एसिड टेस्ट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो होता है। 3142 सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हमारे हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पता होगी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, ये भी अकाउंटिंग का ही फंक्शन होता है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन चीजों को शामिल किया जाता है। सेकेंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म, तो ये गलत बात है। जो हमारा पी एंड एल होता है वो ऑपरेटिंग रिजल्ट देखने के लिए बनाया जाता है, जबकि जो बैलेंस शीट होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होती है। गुडविल इज ए वेस्टिंग असेट। देखो, वेस्टिंग असेट क्या होती है? ऐसी असेट्स जो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी। तो जैसे माइन है, तो माइन के अंदर जो भी खनिज है, धातुएं वगैरह, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो माइन वेस्टिंग असेट होती है। गुडविल वेस्टिंग असेट हो नहीं सकती। वेस्टिंग असेट जो धीरे धीरे करके हम उनको पूरा कंज्यूम कर लेंगे। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म, ये सही बात है। तो ए और डी हमारा करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए बिजनेस इज परचेस्ड एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल असेट माइनस द लाइबिलिटी टेकन इज कॉल्ड। देखो, हमने परचेज किया बिजनेस को, तो असेट को हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन पेमेंट तो हमने ज्यादा कर दिया, तो कुछ ना कुछ डेबिट होगा। उस डेबिट वाले को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है। गुडविल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करेंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। हम हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस प्रकार के एनालिसिस को क्या माना जाएगा? ट्रेंड एनालिसिस हम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहेंगे, या ऑल द अबो? ऑल द अबो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेंड का मतलब पिछले सालों का ट्रेंड देखना, तो पिछले सालों से कंपेयर किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर हमने करंट ईयर लिखा और यहां पर हमने प्रीवियस ईयर लिखा, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल हो गया। और इसी को इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एक ही फर्म का कंपैरिजन हो रहा है, न कि दो फर्मों के बीच में। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड हैज ए लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1, स्टॉक दे रखा है 40,000 रुपए, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 1,00,000 रुपए,
करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा गया है। तो देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हमें लिक्विड रेशियो दिया गया था 2:1, इसका मतलब है जो करंट लाइबिलिटी है वो एक्स के बराबर है, जो लिक्विड एसेट है वो हमारी 2x के बराबर है। तो यहां पर हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो हमें 1,00,000 रुपए दी गई थी, तो जो लिक्विड एसेट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2,00,000 रुपए हो जाएगी। स्टॉक हमें 40,000 रुपए दे रखा है, तो हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, करंट असेट्स हो जाएगी 2,40,000 रुपए, और करंट लाइबिलिटी हमें पहले से ही पता है 1,00,000 रुपए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.4। देखो स्टूडेंट, कुछ बच्चे ये मान करके चलते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम लगने वाला होता है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ टीचर भी कहते हैं कि जिन क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगती है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, उनको आप छोड़कर चले जाइए। स्टूडेंट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं टीचर कि अगर किसी क्वेश्चन में 2-3-4 मिनट लगने वाली है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लगेगी या 30 सेकंड लगेगी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दूसरी बात, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उन क्वेश्चन का पर्पज ये नहीं होता है कि स्टूडेंट उन क्वेश्चन को करके आए, जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट को फंसाना चाहते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें स्टूडेंट फंसा रहेगा तो उसके बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। बाकी हमने ये क्वेश्चन किया, मुझे नहीं लगता 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, हमें मैच करना है इन चीजों को, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंसिस्टेंसी। हमें दिया गया है सेम अकाउंटिंग मेथड यूज्ड बाय फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, तो इसके अंदर हमारा कंसिस्टेंसी आ जाएगा, तो 1 यहां पर आ जाएगा। एन एजम्पशन दैट फर्म इज नॉट बैंकक्रप्ट, तो गोइंग कंसर्न हो जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा। नॉर्मल बेसिस यूज्ड फॉर अकाउंटिंग असेट्स, तो असेट्स की बात हो रही है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला यहां आ जाएगा। रिलेट्स टू इंपोर्टेंस ऑफ एन आइटम, इंपोर्टेंस की बात होती है तो मटेरियलिटी होता है, तो 4 हमारा यहां जाएगा, 4-2-3-1 ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट इन फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बिल्कुल आसान से है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को ढूंढना है कि सही कौन से है। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस बराबर हो ही नहीं सकते, कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू असेट प्लस एक्सपेंसेस भी नहीं हो सकता, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स ये हमारा सही है, कैपिटल प्लस प्रॉविंग इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी ये भी गलत है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, स्टूडेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हमने लोन लिया है असेट को खरीदने के लिए और उस पर जो इंटरेस्ट है वो हम पे करते जा रहे हैं, तो असेट को यूज में लेने तक का, या एक्चुअल में यूज नहीं रेडी टू यूज मान लो, असेट के रेडी टू यूज में आने तक का इंटरेस्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद वाला इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, तो यहां पर डायरेक्टली हम बी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं, एक्स लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन, जो एक्स लिमिटेड है वो लिक्विडेशन में चली गई, एंड ए न्यू कंपनी जेड लिमिटेड परचेजेज द बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड, इट इज ए केस ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट मैंने आपको बता रखा है यदि एग्जिस्टिंग कंपनी को बचा लिया जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनी बंद हो जाए और उसकी जगह नई कंपनी आ जाए तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। यदि आपको अभी तक हमारे इस कोर्स के बारे में नहीं पता है स्टूडेंट, सीएमजे का एमसीक्यू खजाना, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा फ्री कोर्स है, आपको हमारे ऐप के अंदर कंटेंट के अंदर मिलेगा, 1 रुपए प्राइस शो करेगा, परचेज करने की जरूरत नहीं है। डेली हम आपको 10 क्वेश्चन कॉमर्स के बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। अगर पेड कोर्स परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।